हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज एक करंट एनर्जी अपडेट करने वाले हैं हम लोग। देख लेंगे कि क्या चल रहा है आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ में, एंड आगे क्या होने वाला है, आपके विशेष जो है वो कब तक फुलफिल होने वाली है या नहीं, होगी तो किस समय पे होगी, किस तरीके से होगी, एंड ऑल अबाउट दैट। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं शफलिंग के साथ में, कार्ड थोड़ा मिक्स्ड है क्योंकि मैंने पिछली बार शफलिंग करने के बाद इसको वापस से रीअरेंज नहीं किया था। सो यस, एंड आज मैं बेड के ऊपर बैठ के कर रही हूँ। नीचे जनरली मैं बैठ के करती हूँ या बेड के थोड़ा अंदर सेंटर में जाके करती हूँ, आज मैं एकदम कॉर्नर में बैठ के कर रही हूँ जहाँ मैं अपना भगवद गीता के वीडियोज रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, दो कार्ड्स मिले हैं, जनरल रीडिंग करूँगी, अलग अलग पायस नहीं रख रही हूँ आज। ठीक है, आज फायरी एनर्जी है, बहुत ज्यादा लग रहा है, फुदक फुदक के आ रहे हैं। आप लोग, क्योंकि मेरे पास एक कार्ड आया है जिसमें मैं एक लेडी को दे सकती हूँ जिनके हाथ में एक पैरट है, एक देवी का रूप है जिसको हम बोलते हैं उच्छिष्ट चंडालिनी मातंगेश्वरी, उन देवी का पिक्चर निकालना आप लोग, एंड उनको बस एक बार देखना। अगर आप उनके एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो तो उनके मंत्र को चैंट करना दिन में तीन तीन बार, उसको रिपीट करना उनके मंत्र को, अदरवाइज या ठीक है। कार्ड्स देख लेते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो टू ऑफ वॉन्ड्स जो है उसमें हाथ में पूरा दुनिया जो है वो इस इंसान के हाथ में है। सो द पर्सन, एंड एक हाथ में ऑथोरिटेटिव पावर या फायरी एनर्जी है, ग्रोथ एनर्जी है। सो दैट पर्सन हैज द पावर, आपके अंदर पावर है कि आप पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ कर सको, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप एक ग्रोथ एनर्जी को फैलाने जैसे पावर को रखते हो। ठीक है, यू कैन हेल्प एवरीबडी टू ग्रो, तो आपके अंदर वो स्किल्स है, वो पावर है कि आप किसी को भी ग्रोथ करने में मदद कर सकते हो। मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया ना, वो महालक्ष्मी की एक मुझे लगता है आप लोगों को भी दिखा सकती हूँ, ये एक फ़ोटो है बहुत खूबसूरत। मुझे ये एक्चुअली रूप का नाम है कमला, तो मैं अपने लाइफ में कमला बोल के किसी को जानती हूँ जो मेरे लाइफ में कहीं एक टाइम पे बहुत अच्छा एक काम करी है, लेकिन बाद में थोड़ा सा बुरा भी करी है। एनीवेज, लेकिन हाँ, ये देवी का नाम है कमला। तो मैं बहुत ही छोटे उम्र से इनका जो है मैं पिक्चर बनाई थी, एंड मेरे पास है, बहुत सालों से है। मैंने खुद ही गूगल से निकाल के इसको प्रिंट आउट करवा के कर किया था। उस टाइम मैं स्टूडेंट थी, आई थिंक 11th 12th में पढ़ती थी या फिर बस कॉलेज स्टार्ट किया था उस टाइम पे। सो या, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। एनीवेज, तो आपके अंदर वो ग्रोथ एनर्जी है, एंड जो कमला जो मैंने पिक्चर आपको दिखाया ना, जो देवी लक्ष्मी का एक रूप है या फिर देवी दुर्गा का ही एक महाविद्या है, सो शी इज़ अबाउट ग्रोथ वेलफेयर। आप इनके पिक्चर को देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कैसे धन वर्षा कर रही है, ऐरावत है इनके पास में, ग्रोथ एनर्जी को डेबिट कर रहे हैं। सो दिस शोज ग्रोथ एनर्जी, आप ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट, फोर इज़ अ नंबर जहाँ पे मैंने पहले भी एक बार एक कार्ड में रीडिंग में आया था, तो मैंने बोला था ऊपर नीचे आगे पीछे आप पैसे के बारे में सोचो, पॉजिटिव रहो, आपका अगर कोई पैसा पेंडिंग है, कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा है, सब मिल जाएगा।
ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव दी एट ऑफ वॉन्ड्स. तो एट ऑफ वॉन्ड्स में क्या होगा कि आपका फायरी एनर्जी है, आप कोई भी चीज़ काम को करना चाहते हो तो बहुत फोर्स के साथ में वो होगा. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक, यहाँ पे मैंने बोला ना पैरट हाथ में रखा हुआ है. सो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कोई काम करते हो, अपने क्लाइंट के साथ में कोई काम करते हो, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा आपका. नेक्स्ट इज फाइव ऑफ कप्स. थोड़ा सा इमोशनली हर्ट फील कर रहे हो, कोई एक इमोशनल पार्टनर या कोई सिचुएशन या फिर कोई रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने कुछ बोला कुछ किया जो आपको अच्छा नहीं लगा. सो थोड़ा सैड फील कर रहे हो मन, जैसे पूरा देखिए ना यहाँ पे कप्स यानी कि जो इमोशंस है वो जैसे मतलब जो चाह था वो कुछ और ही हो गया. सो यू हैव गॉट हर्ट, सो आप उसके बारे में सोचो. बट डोंट वरी, आपको कप ऑफर हो रहा है विथ फुल ऑफ फ्लावर्स एंड उसमें बहुत सारे और भी डेकोरेटिव चीज़ें हैं. सो आपको सरप्राइज मिलने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है अपने लव्ड वन से, जो कभी आपके साथ में बहुत अच्छे से रिश्ते में थे या फिर है लेकिन थोड़ा डिस्कनेक्ट है. सो उनके साथ में आपका रिश्ता दोबारे से बहुत अच्छे से ब्लूम करने वाला है. आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि रिश्ता इतने ब्यूटिफुली रेजुविनेट होगा ना कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि इतना कैसे हो गया. बट कहीं ना कहीं आपको गट फीलिंग आएगा, अभी मैंने रीडिंग से भी बता दिया, तो आप लोग विजुअलाइज एंड इमेजिन करना स्टार्ट कर सकते हो. आपके जो पार्टनर है वो आपको, आपके पास आएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो अपोलोजाइज करेंगे, वो आपको अपना कप, अपना दिल ऑफर करेंगे, प्यार ऑफर करेंगे, फ्लावर्स भी देंगे, गिफ्ट्स देंगे, आपके लिए कुछ लाएंगे एंड आपका रिश्ता पहले से भी बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा. चाहे वो फ्रेंड हो या पार्टनर हो या कोई खास इंसान हो, स्पेशल पर्सन, रिलेटिव, कुछ भी जिनसे आपका रिश्ता पहले मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही था, अच्छा था लेकिन ख़राब हुआ था, इस बार जब जुड़ेंगे ना आप लोग, इतना ज़्यादा प्यार होगा ना कि आप चाह के भी अलग नहीं हो पाएंगे. आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. हरमिट, हरमिट जो होता है वो थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में रहता है, मेडिटेटिव स्टेट में या फिर मेडिटेशन के स्टेट में रहता है. सो मेडिटेट करने वाले स्टेट में आप थोड़ा सा मतलब चीज़ों को परखने की, समझने की, इनलाइटन होने की कोशिश करता है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपना बात जो है वो एकदम पर्टिकुलरली रखता है. जब आपके पास में ये कप एनर्जी ऑफर होगा तो आप थोड़ा इमोशनल तो होंगे क्योंकि इंसान भी बहुत इमोशनली देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो पॉइंट्स हैं ना उसको भी आप सामने रखना चाहोगे. लेकिन इतना रूड मत हो जाना कि बात ही बिगड़ जाए, तो थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करना, बट ज़रूर बताना अपने जो पॉइंट्स. एक बार में मान जाओ ऐसा भी नहीं है, आप अपने पॉइंट्स को बता सकते हो कि आप आए हो तो इस तरीके से आप गए थे, तो वापस अगर आप जाओगे या फिर क्या इरादा है, थोड़ा आप डिस्कस कर सकते हो. बट वेरी पोलाइटली आप इसको मेंशन करना कि देखिए अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी आपको शायद बुरा लगे और आप शायद चीज़ों को गुस्से से देखो, बट मैं वैसा नहीं चाहती या चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है. एंड आप अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो एंड बहुत ही आराम से करना, क्योंकि जो इंसान आ रहा है उसके दिल में इतना, उसको इतना अच्छे से रियलाइज़ हो गया है, इतना ज़्यादा इमोशंस है ना उसके दिल में कि वो समझ जाएगा जो भी इंसान है. एंड आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, फाइनेंस वाले सिचुएशन में भी ग्रोथ होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना, आपके क्लाइंट्स बहुत इंप्रेस्ड होंगे एंड आपके काम में भी बहुत ग्रोथ होगा. एंड चीज़ें बहुत ही अच्छे, फायरी एनर्जी है, फायरी एनर्जी ऑलवेज शोज स्पीड, तो बहुत अच्छे से सारे काम बन जाएंगे. तो आज एक शॉर्ट रीडिंग था, यही तक था. अगले वीडियो में हम बहुत जल्द और एक रीडिंग के साथ में मिलेंगे. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.